कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। एवरीवन प्लीज टेक योर सीट। सही से बैठो, सिट प्रॉपरली। अपनी पीठ सीधी रखो, कीप योर बैक स्ट्रेट। हेलो एवरीवन, तो आज हम लेकर आए हैं अपनी क्लासरूम इंग्लिश का पार्ट टू। आइए आगे देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर याद कर लो, मेमोराइज दीज क्वेश्चन आंसर्स। कागज की बोल मत बनाओ, डोंट क्रंच अप द पेपर। अमन इस प्रश्न का जवाब दो, अमन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको स्टूडेंट से पूछना है कि क्या उनको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कह सकते हैं क्या कुछ पूछना है, इज देयर एनी क्वेरी। एक समय में एक बोलो, स्पीक वन एट अ टाइम। हाँ बताओ, यस गो अहेड। क्या सबको अर्थ समझ में आ गया? इसका मतलब है कि जो आपने उन्हें समझाया है उनको अच्छे से समझ आ गया है, तो आप कह सकते हैं इज द मीनिंग क्लियर टू ऑल, इज द मीनिंग क्लियर टू ऑल। क्या आप समझ गए, डिड यू अंडरस्टैंड। नहीं ये सही नहीं है, नो दिस इज नॉट राइट। सही जवाब ये है, द राइट आंसर इज दिस। बैठे रहिए, जब आप अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि वो अपनी सीट पर जैसे ही बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, तो आप कहेंगे रिमेन सीटेड। अभी छुट्टी नहीं हुई है, क्लास इज नॉट ओवर येट। घंटी बजने का इंतजार करो, वेट फॉर द बेल टू रिंग। इस सवाल को हल करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस सवाल को कौन हल करेगा, हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपना हाथ ऊपर उठाओ, रेज योर हैंड। अपना होमवर्क चेक करवा लो, गेट योर होमवर्क चेक्ड। एक एक करके आओ, कम वन बाय वन। लाइन बनाओ, फॉर्म अ क्यू, या आप कह सकते हैं फॉर्म अ लाइन। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन। तुम यहां क्यों खड़े हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। अब लाइन में लग जाओ, नाउ गेट इन लाइन। उसे नीचे बुलाओ, कॉल हिम डाउनस्टेयर्स। उसे यहां बुलाओ, कॉल हिम हियर। कविता सुनाओ, रिसाइट द पोम। आप इसे पोयम नहीं कहेंगे, पोम, रिसाइट द पोम। साफ साफ लिखो, राइट नीटली, या आप कह सकते हैं राइट क्लियरली। जल्दी जल्दी लिखो, राइट क्विकली। धीरे धीरे लिखो, राइट स्लोली। जल्दी करो, हरी अप। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। पेंसिल की नोक टूट गई है, द टिप ऑफ द पेंसिल इज ब्रोकन। आपकी पेंसिल की नोक मोटी है, द टिप ऑफ योर पेंसिल इज डल। इसकी नोक तेज करो, मेक इट्स टिप शार्प। यह उत्तर गलत है, दिस आंसर इज रॉन्ग। इसे मिटाओ, रब इट आउट, या आप कह सकते हैं इरेज इट आउट। तुम्हारी रबड़ कहाँ है, वेयर इज योर इरेजर। ध्यान से याद करो, मेमोराइज केयरफुली। रटो मत, जब आप अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आंसर्स को रटे नहीं, उनको समझ कर याद करें, तो आप उन्हें कहेंगे डोंट क्रैम। मन लगाकर याद करो, लर्न इट बाय हार्ट। आप इसे हर्ट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हार्ट, लर्न इट बाय हार्ट। इसे फिर से करें, डू इट अगेन। यह सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट। मेरे पास आओ, कम टू मी।
हम इस पाठ को अगले सोमवार को जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट मंडे। वापस अपनी जगह पर जाएं। बैक टू योर प्लेसेस। आपने बहुत अच्छा किया। जब आपके स्टूडेंट्स कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एप्रिसिएशन से उनको बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। तो आप कह सकते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब, या फिर आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया, वेल डन। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट अ मिनट। कल अपनी नोटबुक लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। गुड बाय, कल मिलते हैं। गुड बाय, सी यू टुमारो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।